नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। चुनावी वादे, जी हां, तेजस्वी का 10 लाख रोजगार बनाम नीतीश, सबको 10 लाख की मदद का वादा उन्होंने किया है। मैं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार वादों का पिटारा बनता जा रहा है। जनता कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस वादे पर कितना यकीन किया जाए। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष पर हमलावर है। हर सभा में कहते फिरते रहते हैं कि मेरी सरकार बनी तो पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला करेंगे। इधर नीतीश कुमार जनता से वादा कर रहे हैं कि आगे मौका मिला तो हम सबको शुरू से यानी कि 10 लाख आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कई सभाओं में कहा है कि अभी अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग को काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए देते हैं, जिसमें 5 लाख सहायता और 5 लाख ऋण भी दिया जाता है, जिस पर टैक्स नहीं लगता। आगे मौका दीजिएगा तो सबके लिए इसी तरह की व्यवस्था करेंगे। जेडीयू ने इस बार अपने घोषणा पत्र निश्चय 2020 के नाम से जारी किया है, जिसमें युवा, बिहार शक्ति, प्रवृत्ति, महिला सक्षम, महिला हर खेत में सिंचाई, पानी, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संक्रमणता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुख बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा वोट बैंक की गोलबंदी के लिए जनता आधारित आरक्षण की भी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या आधारित आरक्षण लागू होना चाहिए। राजद ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रोजगार देने तथा जातिवादी खत्म करने और स्थायी नौकरी के समान स्थायी वेतन देने, तमाम निजीकरण को समाप्त करने, नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली करने, सरकारी नौकरियों में निशुल्क आवेदन और परीक्षा केंद्र तक यात्रा मुफ्त, हेल्थ केयर सेंटर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों में माध्यमों में रोजगार देने की बात राजद ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रहे हैं और जिस तरह से मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियां अपने अपने घोषणाओं के जरिए लोगों को लुभाने में लगी है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब जिसकी सरकार बनती है, यानी जेडीयू की बनती है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जो वादे इस वक्त सैकड़ों की संख्या में हो रहे भीड़ में किया जा रहा है, क्या वो कितना जमीनी हकीकत बनकर उभर पाता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम अपने कैबिनेट के पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं नीतीश कुमार मंच से कहते फिरते रहते हैं कि 15 साल जिस तरह से हमने विकास का काम किया है, अगर आगे भी आप हमें मौका देंगे तो हम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद आपको किसी भी रोजगार करने में देंगे। हालांकि ये 10 तारीख को फैसला होगा कि सरकार किसकी बनती है और बिहार में जो वादे और इरादे निभाए जा रहे हैं वो कौन पूरी तरह से पूरा कर सकता है। तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए देशजी न्यूज के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।